लेट सी फ्रम अदर काइंड ऑफ फॉर्मेशंस इन शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण की, करत, की करते हुए हमें वाक्य बनाना है संबंध बोधक की तरह यानी प्रिपोजिशन की तरह और क्रिया विशेषण की तरह यानी हर एक वर्ड के साथ दो दो वाक्य बनाना है

एंड ही इज क्रिया विशेषण यदि बनाना है तो क्रिया की विशेषता बनाना है तो क्रिया की ही इज रनिंग बिहाइंड ही इज रनिंग बिहाइंड एम गोइंग अप आई एम गोइंग अप क्या हुआ ये गोइंग की विशेषता बता रहा है कहां जा रहे हैं अप गोइंग क्या है क्रिया है तो क्रिया विशेषण हुआ और अब यदि इसको हमको संबंध बोधक बनाना है तो इट इज टू हिम टू डिसाइड ये उस पर निर्भर है कि वो तय करना तय करना उस पर निर्भर है इट इज अप टू हिम टू डिसाइड तो यहां अप जो है वो प्रिपोजिशन हो गया एलोंग वॉक अलॉन्ग विथ मी वॉक अलॉन्ग विथ मी वॉक अलॉन्ग विशेषता किसकी बता रहा है क्रिया की क्या है क्रिया वॉक मेरे साथ चलो वॉक अलॉन्ग विथ मी एक बहुत अच्छा कोटेशन है डू नॉट वॉक अहेड ऑफ मी फॉर आई मे नॉट फॉलो यू फॉलो करना यानी पीछे चलना अहेड हेड आगे डू नॉट वॉक अहेड ऑफ मी फॉर आई मे नॉट फॉलो यू मेरे आगे मत चलो क्योंकि शायद मैं आपके पीछे पीछे नहीं चल सकता डू नॉट वॉक बिहाइंड मी फॉर आई मे नॉट लीड यू मेरे पीछे भी मत चलो क्योंकि शायद मैं आपको नेतृत्व तो नहीं दे सकता मैं नेतृत्व तो देने लायक नहीं हूँ मैं पीछे नहीं चल सकता क्योंकि मैं फॉलोअर नहीं हूँ Do not walk behind me for I may not lead you. And see the punchline, the final sentence. Walk by my side and be my friend. Walk by my side, by my side preposition. Walk ki bata raha hai. Walk by my side and be my friend. Mere bhaju chalo or mere dostraho. Nam a leader who ना फॉलोअर हूँ मैं एक मित्र हूँ दिस इज अ ब्यूटिफुल कोटेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप नीड फॉर फ्रेंड्स डू नॉट वॉक अहेड ऑफ मी आई मे नॉट फॉलो यू डू नाट वॉक बिहाइंड मी आई मे नॉट लीड यू वॉक बाय माई साइड एंड बी माई फ्रेंड इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन से प्रिपोजिशंस हैं कौन से एडवर्ब हैं ऐसी और भी जो हैं आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं बियॉन्ड बिफोर एंड अंडर अंडर द टेबल द बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल दिस इज वन यूज हाइडिंग अंडर द टेबल फाइंड आउट द अदर यूज ऑफ द वर्ड अंडर वन इज एडवर्म एंड द अदर इज प्रिपोजिशन राइट नाउ नेक्स्ट सो दिस इज एन एक्सरसाइज आई लीव फॉर यू नेक्स्ट इज आई विल बी डन बाय देन अब देखिए इसमें क्या होता है संबंध बोधक का कर्म संज्ञा या सर्वनाम होता है संबंध बोधक का कर्म संज्ञा या सर्वनाम लेकिन कभी कभी संबंध बोधक हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ उसका उपयोग करते हैं जैसे आई विल बी डन बाय देन तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा तब तक बाय देन बाय देन मतलब देन मतलब क्या हुआ बाय दैट टाइम देन मतलब क्या हुआ बाय देट टाइम सो देन इज ए प्रिपोजिशन सिमिलरली सिंस देन ही हैज नॉट शोन हिस् फेस तब से सिंस देन मतलब तब से यहां पर देन का अर्थ क्या हो गया वट इज द मीनिंगन दैट टाइम अगेन उस समय से तब से उस समय से उसने चेहरा नहीं दिखाया है नेक्स्ट एवर इट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर अलग अलग वर्ड है फॉर एवर एवर इज अ प्रिपोजिशन हमेशा के लिए लास्ट मतलब जारी रखना टू लास्ट माइ ट्रेनिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर टू ईर्स दो साल जारी रहेगी मेरी ट्रेनिंग यहां पर क्या है इट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर एवर मना हमेशा के लिए सदा सदा के लिए के लिए इज़ अगेन है प्रिपोजिशन समटाइम्स जो प्रिपोजिशन होते हैं उन वो एडवर्बियल फ्रेज़ जैसे होते हैं उदाहरण के लिए ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ओवर ए पाउंड ओवर ए पाउंड अब ये क्या हो गया यानी कभी कभी संबंध बोधक का जो कर्म है वो क्रिया विशेषण के रूप में उसको हम को यूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ओवर ए पाउंड एक रुपए से ज्यादा में से ज्यादा में तो ओवर ए पाउंड ओवर जो है प्रिपोजिशन हो गया नेक्स्ट इज द नॉइज कम्स फ्रॉम द नॉइज कम्स फ्रॉम एक्रॉस द रिवर रिवर के उस पार से एक द नॉइज कम्स फ्रॉम एक्रॉस द रिवर जो शोरगुल है वो रिवर के नदी के उस पार से आता है आती है जो हल्ला आता है जो शोर आता है नदी के उस पार से शोर आ रहा है सो एक्रॉस द रिवर एक्रॉस फ्राम द रिवर नहीं ऑन द रिवर नहीं इन द रिवर नहीं ओवर द रिवर नहीं टू द रिवर नहीं एक्रॉस द रिवर तो दिस इज अनदर यूज सिमिलरली आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू कल्टीवेट फ्रेंडशिप कल्टिवेट करना मतलब कल्टीवेट uh, करना uh, मित्रता बढ़ाना कल्टीवेट करना यानी बढ़ाना कल्टीवेट रिलेशन कल्टीवेट फ्रेंडशिप आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू कल्टिवेट कैसे मैं मित्रता बढ़ाऊँ हाउ जो है यहाँ पर प्रिपोजिशन जैसा यूज हो रहा हाउ टू कल्टिवेट हाउ टू कल्टिवेट हाउ टू इज बी यूज दिपोजिशन नेक्स्ट इज क्लॉज आपने पढ़ा था क्लॉज पूर्व में बताया गया आपको तो क्लॉज भी कई बार संबंध बोधक का कर्म हो जाता है यानी प्रिपोजिशन का वो कर्म हो जाता है कैसे होता है जैसे पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टू वॉट आई एम गोइंग टू से पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से वॉट आई एम गोइंग जो मैं कहने जा रहा हूं यह संबंध जोड़ रहा है अटेंशन किसको पे अटेंशन पे अटेंशन ये क्लॉज बना है वॉट आई एम गोइंग टू से इज ए क्लॉज बट क्लॉज के साथ साथ ये यहाँ पे क्या है प्रिपोजिशन जैसा पूरा उपयोग हुआ है उपवाक्य भी संबंध बोधक का कर्म हो सकता है नेक्स्ट देर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से वॉट यू से तुम जो कहते हो ये उपवाक्य हुआ क्लॉज हुआ तुम जो कहते हो पर तुम जो कहते हो एक ऐसा वाक्य है जिसका कोई अर्थ निकल नहीं निकल रहा आगे कुछ बात छिपी हुई है तो वो कौन सी बात है उसमें कोई अर्थ नहीं तो ये जो वाक्य है तुम जो कहते हो वो उपवाक्य है वाक्य पूरा नहीं है इसलिए उपवाक्य है जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं क्लॉज है वॉट यू हैज नो मीनिंग वॉट यू से हैज नो मीनिंग देर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से राइट ना संबंध बोधक का कर्म जो है प्रिपोजिशन का कर्म जो है उसको संबंधवाचक सर्वनाम हो तो वह भी प्रिपोजिशन बन सकता है कभी कभी उसका भी उपयोग हो जाता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जब संबंध बोधक का कर्म संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यदि वो हो तो वह कर्म कभी कभी बन सकता है क्या प्रिपोजिशन जैसे ही इज द मैन He is the man I was looking for. He is the man I was looking for. यहाँ पे here जो यहाँ पर whom जो है वो understood है whom I was looking for. जिसे मैं खोज रहा था whom जो है वो छिपा हुआ है तो यहाँ पे connector क्या है या संबंध बोधक क्या है Whom. लेकिन whom को हम नहीं बोल रहे है. He is the man. आई वॉज लुकिंग फॉर होम आई वॉज लुकिंग फॉर जिसे मैं खोज रहा था अंडरस्टूड मतलब जिससे मैं बोलना चाह रहा हूं तो छिपा हुआ भी कई बार संबंध बोधक होता है प्रिपोजिशन कई बार छिपा हुआ भी होता है दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय इसमें कौन सा संबंध बोधक है विच वी लिव बाय जिसके बल पर हम रहते हैं तो जिसके छुपा हुआ विच को बोलने की जरूरत नहीं वी हैव शॉर्टन द सेंटेंस तो दिस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग प्रिपोजिशन एंड हाइडिंग इट अवे यू कैन कंप्लीट द होल सेंटेंस नाउ वी कम टू सम प्रैक्टिस सेशन आई गिव यू अबाउट टेन सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स एंड

इसका अनुवाद करिए फिर आप समझ पाएंगे कि कौन सा प्रिपोजिशन आएगा द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट हेस्ट माने जल्दी हेस्ट मेक्स वेस्ट जल्दबाजी बर्बादी करती है बर्बाद करती है हेस्ट मेक्स वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट वेस्ट यानी बर्बाद और एक होता है डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट वेस्ट यानी कमर दर्जी जो है वो हमारे वेस्ट की नाप लेता है डब्ल्यू ए आई एस टी की नाप लेता है वो वेस्ट है और यहां पर भी वेस्ट है लेकिन स्पेलिंग है डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट मटेरियल। डोंट वेस्ट टाइम वहां डब्ल्यू एस टी ई आएगा डोंट वेस्ट टाइम थर्ड द वर्क सेकेंड थर्ड द वर्क वॉज डन इन फोर्थ ही इज अफ्रेड द ड ही इज अफ्रेड द डॉग मैंने आपको बताया था बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद स्टैंडर्ड प्रिपोजिशन ही आता है उदाहरण के लिए मैंने बताया था इंस्पाइट ऑफ इंस्पाइड शब्द जब भी आएगा ऑफ आएगा बिना ऑफ के इंस्पाइड को आप यूज नहीं कर सकते ऐसे ही अफ्रेड के साथ क्या आता है पता लगाएं हमेशा वही वर्ड वही प्रिपोजिशन आएगा एम फोंड डैश म्यूजिक ये भी वही शब्द है वैसा ही है जिसमें स्टैंडर्ड प्रिपोजिशन जुड़ेगा आई एम फॉन्ड ऑफ एम फॉन्ड डैश म्यूजिक ही गोज डैश संडे डैश चर्च ही गोज डैश संैश चर्च ही डाइ डैश हिज कंट्री द बर्गलर जम्ड डैश द कंपाउंड वॉल बर्गलर मतलब सेंध मारने वाला सेंध मारने वाला कंपाउंड से कूद गया तो कौन सा प्रिपोजिशन आएगा कंपाउंड से कंपाउंड वॉल से जम्ड और लास्ट है वॉट इज दैट डैश मी वॉट इज दैट डैश मी प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक इसमें आपको प्रिपोजिशन भरना है तो so, जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको एक बार देखें और सही प्रिपोजिशन यहाँ भरें ऑन ओवर ऑफ आउट इन इन टू फॉर ये कॉमन प्रिपोजिशंस हैं इनमें से बहुत से यह प्रिपोजिशंस यहाँ आएंगे तो ट्राई टू फाइंड आउट विच प्रिपोजिशन इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस किसी वर्ड से हमको नई क्रिया भी बना सकते हैं नई क्रियाएं बनाने के लिए क्रिया के साथ मिलकर संबंध बोधक का प्रयोग बहुत बार किया जा सकता एक क्रिया है समझने की कोशिश करिए क्रिया का एक अर्थ है उसमें यदि हम एक प्रिपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है नई क्रिया बन जाती है जैसे एक वर्ड है कम कम में हम जोड़ दें ओवर कम ओवर नहीं ओवर कम पहले हमने प्रीफिक्स किया है वी हैव प्रीफिक्स द वर्ड ओवर विथ कम एंड सो ए न्यू वर्ड इज बॉर्न ओवर कम मतलब किसी से पार होना आई हैव ओवर कम पेन मैं दर्द के दौर से निक, उबर गया हूँ उबर जाना ओवर कम आई हैव ओवर कम द प्रॉब्लम समस्या से मैं पार हो गया हूँ समस्या से उबर गया हूँ ओवर कम ओवर फ्लो फ्लो यानी बहना ओवर फ्लो मतलब ज़्यादा हो जाना पानी ज़्यादा बह जाना द वाटर इज ओवर फ्लोइंग डोंट फिल अब और मत भरो पानी ओवर फ्लो हो रहा है फ्लो ओवर मतलब उसके ऊपर से जाना और ओवर फ्लो होना यानी ज़्यादा भर जाना तो ओवर फ्लो हो रहा अंडर गो गो मैंने जाना अंडर गो नई क्रिया बन गई अंडर गो ही इज अंडर गोइंग एन ऑपरेशन अंडर गोइंग ही इज अंडर गोइंग एन ऑपरेशन अंडर गो मतलब से गुजरना से गुजरना विथ ड्रॉ ड्रॉ उसमें विथ जोड़ दिया ड्रॉ में क्या जोड़ दिया विथ जोड़ दिया देखिए सब में पहले जुड़ा हुआ है प्रिफिक्स बना है ओवर कम ओवर फ्लो ओवर लुक अंडर गो विथ ड्रॉ ड्रॉ विथ ड्रॉ विथड्रॉ करना मतलब हाथ खींच लेना डोंट विथड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन चुनाव से हाथ मत खींचो डोंट विथड्रॉ फ्रॉम एन इलेक्शन चुनाव से हाथ मत खींचो विथड्रॉ सिमिलरली यहां तो हमने देखा कि पहले आया कई बार बाद में आता है प्रिपोजिशन को बाद में लगाते हैं और उसके उदाहरण हम पहले बहुत देख चुके हैं जैसे अफ्रेड ऑफ हमने देखा लेकिन वहां पे अफ्रेड ऑफ जो देखा हमने उदाहरण उन उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो ख्याल रखिए अफ्रेड हमेशा ऑफ ही होगा फरेड के बाद इंस्पाइड के बाद हमेशा ऑफ ही होगा लेकिन यहां कुछ और शब्द हम देखते हैं जो जिसमें प्रिविशन बाद में है जैसे लाफ के बाद हमेशा एट आएगा लाफ एट डोंट लाफ एट मी वाई आर यू लाफिंग एट हिम तुम उस पर क्यों हंस रहे हो एट आएगा याद रखिएगा। सिमिलरली लुक के बाद फॉर आएगा लुक फॉर आई एम लुकिंग फॉर माई शूज मैं अपने जूते खोज रहा हूं नया अर्थ हो गया टू लुक फॉर यानी खोजना देखना टू सेंड फॉर यानी बुलवाना टू सेंड फॉर आई एम सेंडिंग फॉर मोहन आई एम सेंडिंग फॉर मोहन आई हैव सेंड फॉर मोहन मैंने मोहन को बुलवाया है सेंड फॉर एक नया मीनिंग हो गया तो so, ये दो उदाहरण दो तरीके के आपने देखे प्रिपोजिशन वर्ब के पहले और प्रिपोजिशन वर्ब के बाद और मीनिंग बदल जाता है राइट नाउ वी कम टू ए वेरी रैपिड वर्क रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रिपोजिशन ये देर आर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स

went about the world went about the world he went about the world puri dunya ghuma i went about the whole mall i went about the whole mall pure mall me ghuma go about ran across the road ran across the road road par daud gaya leaned against the wall diwal के सहारे खड़ा हो गया अब देखिए लीन अगेंस्ट यहाँ अगेंस्ट है प्रिपोजिशन वहाँ एक्रॉस है प्रिपोजिशन प्लेस में अबाउट द वर्ल्ड में अबाउट है प्रिपोजिशन और ये क्या बता रहा है जगह बता रहा है बिटवीन मुंबई एंड डेली बिटवीन बिलो द सरफेस नीचे बिलो बिसाइड मी मेरे बाजू में ये सब क्या है प्रिपोजिशन होगा डिसाइड मी राइट दीज आर ऑल प्रिपोजिशन फॉर प्लेसेस प्लेस से संबंध नाउ हाउ इज प्रिपोजिशन कनेक्टेड विथ टाइम समय से संबंधित ऐसे कौन कैसे प्रिपोजिशन का उपयोग होता है आफ्टर हिर डेथ मृत्यु के बाद आफ्टर एट एन अर्ली एज छोटी उम्र में देखिये उपयोग कैसा हो रहा है छोटी उम्र में एट एन अर्ली एज अराइव्ड बिफोर मी मेरे पहले ये क्या बता रहा है समय बता रहा है मेरे आने के पहले पहुंच गया ही अराइव्ड बिफोर मी मेरे आने के पहले वह पहुंच गया द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम मतलब क्या हुआ रनिंग ट्रेन रन करती है ट्रेन को के लिए हम क्या क्रिया यूज करते हैं रन द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम मतलब बिफोर टाइम और बिहाइंड टाइम बिहाइंड टाइम मतलब लेट समय से विलंब से चल रही है द ट्रेन इज रनिंग बिफोर टाइम मतलब समय से पहले चल रही है राइट right? सिमिलरली फॉर मैनी ईयर्स फॉर मैनी ईयर्स ये कुछ वर्ड हैं ये कुछ प्रिपोजिशंस का टाइम के साथ कैसा उपयोग है जैसा जा, मैंने कहा देर आर हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव डन सम्पल वन नेक्स्ट वन माध्यम जरिया से जैसे थ्रू ए फ्रेंड आई गॉट दिस थ्रू ए फ्रेंड आई गॉट दिस पेन थ्रू ए फ्रेंड के माध्यम से तो ये जरिया साधन के माध्यम से आई गॉट दिस सेल गुड्स एट ऑप्शन आई एम सेलिंग माई कंप्यूटर एट ऑप्शन जरिया एक ऑप्शन के माध्यम से ऑप्शन मैने नीलामी नीलामी के जरिए से मैं अपना कंप्यूटर बेच रहा हूँ तो स्टैंड बाय ए ब्लो ब्लो माने मार मुक्का स्टंड मतलब चौंक जाना बाय ए ब्लो उसके साथ और कुछ नहीं आएगा बाय ही आएगा सो दिस इज दीज आर सम एग्जांपल जहां बाय ए ब्लो किससे मारा गया माध्यम क्या था ब्लो से तो बाय ए ब्लो सो माध्यम के लिए प्रिपोजिशन का उपयोग कैसे होता है सिमिलरली मैनर के लिए कैसे होता है डाइंग बाय इंचेस, इंचाइंग बाई इंच मतलब एक यूनिट लंबाई का यूनिट इंच इंच मतलब क्या हुआ धीरे-धीरे मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है इंच बाई इंच मर रहा है एक साथ एक बार में उसकी मौत नहीं हुई धीरे धीरे मर रहा है फॉट विथ करेंच मैनर कैसे लड़ा विथ करेज करेज यानी बहादुरी तो वहाँ विथ आएगा फॉट के साथ विथ आएगा तो ये बताता है मैनर ढंग प्रिपोजिशन का संबंध जब ढंग से हो तो कैसा उपयोग सिमिलरली प्रिपोजिशन का उपयोग जब तर्क से हो कारण से हो रीजन से हो कॉज से हो पर्पज से हो तो क्या होता है लेबर्ड फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी ही लेबर्ड फॉर लेबर मतलब मेहनत किया मेहनत किया कारण किस ह्यूमैनिटी के लिए मानवता के लिए अब के लिए के लिए फॉर लेबर्ड फॉर मानवता के लिए ही डाइड उसकी बुखार से मौत हुई ही डाइड ऑफ फीवर कारण क्या था फीवर कारण के पहले डाइड ऑफ डाइड ऑफ इसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं नेक्स्ट इज पोजिशन से अधिकार के संबंध में हम कैसे प्रिपोजिशन का उपयोग करते हैं नो मनी ऑन हिम देर वॉज नो मनी ऑन हिम मतलब उस पर कोई उधार नहीं था द मॉस्क ऑफ ओमन ओमन का मॉस्क द मॉस्क एट दिल्ली ऑफ दिल्ली द मॉस्क ऑफ दिल्ली ए मैन ऑफ means means माने साधन हो जिसके पास ऐसा व्यक्ति जो संसाधनों से पूरा है संसाधन जिसके पास पर्याप्त है ही इज ए मैन ऑफ मीन्स पर्याप्त साधनों वाला वह व्यक्ति है तो ये किसके प्रिपोजिशंस हैं अधिकार के पोजिशन के नेक्स्ट इज प्रिपोजिशन यूज फॉर मेजरमेंट वैल्यू मनी एंड मापदंड जिसको बोलते हैं लंबाई चौड़ाई नापने उसके लिए क्या प्रिपोजिशन आता तो फॉर एग्जाम्पल ही चार्ज इंटरेस्ट एट नाइन परसेंट ही चार्ज इंटरेस्ट एट नाइन परसेंट उसने नौ प्रतिशत ब्याज पर नौ प्रतिशत ब्याज पर सोल्ड बाय द यार्ड दिस लैंड इज बीग सोल्ड बाय द यार्ड मतलब यार्ड में बेचा जा रहा है फीट में नहीं मीटर में नहीं यार्ड में बेचा जा रहा है बाय द यार्ड आई एम टॉलर देन यू बाय फोर इंचज टॉलर देन यू बाय फोर इंच बाय मेजरमेंट बता रहे सो बाय नेक्स्ट इज जब Uh, हमको विरोध करने विरोध संबंधी वाक्य हो या छूट संबंधी वाक्य हो तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे होगा जैसे फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट कंटेंट फॉर फॉर ऑल हिज वेल्थ फॉर मतलब स्पाइट ऑफ पर्याप्त संपत्ति होने के बावजूद यहाँ फॉर का मतलब क्या हो गया के बावजूद फॉर हिज़ वेल्थ इज नॉट हैप्पी पर्याप्त समय धन होने के बाद भी वह खुश नहीं है अब देखिए फॉर मतलब के लिए नहीं है फॉर मतलब हो गया इंस्पाइट ऑफ के बावजूद तो दिस इज अबाउट छूट विरोध और अंत में एक लास्ट तरीका है निष्कर्ष हो या अभिप्राय हो या जरिया हो माध्यम तो हम क्या बोलेंगे उसमें हम कैसे बोलते हैं फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम ज ट्रस्ट वर्दी फ्रॉम वॉट आई नो ऑफ हिम फ्रॉम जो है वह प्रिपोजिशन है फ्रॉम शुरू में फ्रॉम वॉट आई नो मैं जितना उसके बारे में जानता हूँ इसका अनुवाद क्या होगा मैं जितना उसके बारे में जानता हूँ वह विश्वसनीय है वह व्यक्ति विश्वसनीय फॉर व्हाट आई नो ऑफ हिम फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम

तो आप देखेंगे कम से कम उसके सौ मीनिंग दिए हुए गेट के हम केवल एक मीनिंग जानते हैं पाना लेकिन यदि हम गौर से वाक्यों को पढ़ें तो हम देखेंगे कि गेट के बाद जो प्रिपोजिशन आता है वो प्रिपोजिशन आने से गेट का अर्थ बदल जाता है पाना नहीं रहता गेट ऑन मैंने जारी रखना गेट ऑन विथ लाइफ जीवन जारी रखो गेट अलोंग आई कान गेट अलोंग विथ यू मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता मेरी पटरी नहीं बैठ सकती गेट ओवर आई गॉट ओवर द रिमोर्स मैं उस दुख से उबर गया गेट एट यानी पाना आई कान गेट एट हिम मैं उसे नहीं पा सकता गेट आउट आई टोल्ड हिम टू गेट आउट बाहर भगाना तो so, ऐसे केवल गेट के साथ नहीं कीप गो कम मूव uh, एंड जित बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके सामान्य मीनिंग आप जानते हैं लेकिन यदि उन वर्ब के बाद लगे हुए प्रिपोजिशन को आप देखेंगे तो ये जो फ्रेजल वर्ब बना है जिसमें वर्ब है और प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन के आने से उस वर्ब का मीनिंग बदल गया बल्कि प्रिपोजिशन के आने से वो जो दो शब्दों का जो कलेक्शन है उसका अर्थ ही बदल गया है वर्ब का जो मीनिंग आप जानते हैं वो नहीं है तो याद रखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके समझने की कि आपको ध्यान से ये देखना है कि क्रिया के बाद वर्ब कौन सा क्रिया के बाद प्रीपोजिशन कौन सा है क्योंकि कई अधिकतर बार प्रीपोजिशन के बदलने से क्रिया का अर्थ बदल जाता है एम आई क्लियर टू यू अब बहुत सामान्य गलतियाँ जहाँ होती हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान दें उदाहरण के लिए नगर कस्बों गांव की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम इन या एट का प्रयोग करते हैं नगर कस्बे गांव तो वी स्टेड इन मुंबई हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन ए विलेज एट नहीं करते इन का उपयोग किया राइट right? फिर ऐसे हम क्रियाकलाप और दुकान काम करने के विषय में बात करते हैं तब हम ऐट का प्रयोग करते हैं हम कई बार कन्फ्यूज कर जाते हैं कि कब इनका उपयोग करना है कब ऐट का जब कोई सा काम हो दुकान के काम करने के स्थान आदि की बात करें तो ऐट ही इज वर्किंग ऐट दिस शॉप इन दिस शॉप नहीं बोलेंगे ऐट बोलेंगे डिड यू सी हिम ऐट पार्टी तो क्रियाकलाप दुकान या काम करने के लिए ऐट ऐसे गलियों के नाम आदि के साथ इन मकान नंबर के साथ एट ये आप याद रखें गलियों का नाम यदि लेना हो तो इन आई एम लिविंग इन टेन जी ई रोड एट टेन जी ई रोड नहीं लेकिन यदि मकान का नंबर की बात करना है so this, तो माय हाउस इज एट टेन दिस एट आएगा सिमलर ही लिव्स एट फोर्टी थ्री चर्च स्ट्रीट फोर्टी थ्री मकान का नंबर हो गया लेकिन ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट चर्च स्ट्रीट में रहता है तो इन आएगा ऐसी किसी स्थान के तल या हिस्से की सरफेस की बात करते हैं तो ऑन किसी भी चीज़ के सरफेस की बात करें तो ऑन ही सिटिंग ऑन द टेबल द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल ऑन किसी के सरफेस की बात करें तो सरफेस के ऊपर की चीज़ उसके बाद टिल का प्रयोग और टू का प्रयोग कैसे करते हैं ही स्लेप्ड टिल एट ओ क्लॉक एंड ही वॉकड टू द स्ट्रीट ही स्लेप्ट टिल एट ओ क्लॉक आठ बजे तक तक है इस इसका और ही वॉकड टू द एंड वह अंत तक वहां पे हम टिल दैट रोड एंड नहीं बोलेंगे ही वॉकड टिल दैट एंड नो ही वॉकड ही वॉकड टू द एंड ऑफ द रोड राइट नेक्स्ट इज विथ विथ के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और बाई के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन ही टू बर्ड्स बाय वन शॉट नहीं बोलेंगे विथ वन शॉट एक शॉट में उसने दो चिड़िया मार दी तो विथ टू शॉट विथ वन शॉट और ऐसे ही स्टैब्ड बाय ए डैगर ही स्टैब्ड बाय ए डैगर डैगर मतलब एक हथियार चाकू जैसा हथियार तो ही वॉज स्टैप्ड बाई ए टाइगर तो विथ और बाई का अंतर आपको अभ्यास से बारम्बार आएगा एंड दैट यू विल कम अस थ्रू प्रैक्टिस ओनली प्रयोग किसी संज्ञा या पदबंध से पहले किया जाता है सिंस मॉर्निंग ही स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग ही स्टैंडिंग आई है Eaten nothing since yesterday. किसी संज्ञा अथवा पदबंध से पहले किया जाता है जो समय को व्यक्त करता है सिंस किसको बताता है समय को सिंस मॉर्निंग सिंस यस्टरडे सिंस द लास्ट टू ईयर्स आदि आदि ही हैज बीन इल सिंस मंडे समय बता रहा है समय सोमवार से सुबह से प्रातः काल से जब वो है तो सिंस का उपयोग ऐसे ही इन भी समय सूचक संज्ञा से पहले आए तो उसका अर्थ होता है उसके अंत में अब देखिए इन जब समय सूचक संज्ञा से पहले आए तो उसका अर्थ होता है उसके अंत में विदिन का अर्थ होता है अंत समय से कुछ पहले विदिन का अर्थ होता है अंत समय से कुछ पहले और इनका अर्थ होता है उसके अंत में फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल रिटर्न इन एन आवर मतलब एक घंटे के बाद एक घंटे के अंत में एंड आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर मतलब एक घंटे के अंदर ये दोनों इन और विद इन का अंतर समझ जाइए विद इन मतलब के अंदर अंत समय से कुछ पहले और इन यदि समय सूचक के लिए उपयोग कर रहे हैं संज्ञा के लिए तो इन मतलब उसके बाद उसका अर्थ होता है उसके अंत में बहुत बारीक अंतर बातें समझनी है अब बिसाइड मतलब पास में यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी और बिसाइड्स मतलब क्या होता है बिसाइड इसके अलावा बिसाइड मतलब इसके साथ बिसाइड्स यू राम विल ऑल्सो गो तुम्हारे अलावा तुम्हारे साथ राम भी जाएगा बिसाइड्स और बिसाइड बाजू में हिज हाउस इज बिसाइड माई हाउस मेरे मकान के बाजू में हैं तो इस प्रकार अब आप ये कुछ ऐसे शब्द हैं ऐसे प्रिपोजिशंस हैं जिनका बहुत उपयोग होता है और बहुत गलतियां होती हैं तो इन बारीकियों को जो नौ बिंदुओं में अभी बताया मैंने इनको थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश करें नाउ सी अनदर दैन मैं दैन की बात कर रहा हूँ टी एच एन दैन दैन की बात नहीं कर रहा हूँ दैन माने तब टी एच एन दैन और यहाँ दैन की बात कर रहा हूँ दैन नॉर्मली तुलनात्मक उसका उपयोग होता है तुलनात्मक तरीके से लेकिन उसका उपयोग कई बार हम संबंध बोधक के रूप में करते हैं अदरवाइज दैन तुलनात्मक हुआ तो कंजंक्शन होता है जशन क्या है, है हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको समझना है कि दैन का उपयोग हम प्रिपोजिशन के रूप में भी करते हैं जैसे आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस रुपीज लेस नहीं आई नॉट एक्सेप्ट लेस रुपीज पांच रुपए से कम से कम लेस देन आई नॉट एक्सेप्ट लेस देन फाइव रुपीज पांच रुपये से कम मैं स्वीकार नहीं करूंगा ये कैसा उपयोग हो गया कंजंक्शन है वैसे ये वर्ड दैन लेकिन इसका उपयोग संबंध बोधक के रूप में भी हो रहा है प्रिपोजिशन के रूप में भी हो रहा है यहाँ पर वो प्रिपोजिशन सिमिलरली बट बट नियम के अनुसार तो समुच बोधक है जिसको हम पढ़ेंगे लेकिन संबंध बोधक की तरह भी इसका हम उपयोग करते हैं और जब ऐसा उपयोग करते हैं तो बट का अर्थ हो जाता है सिवाय बट फॉर हिम आई विल नॉट ईट उसके सिवाय मैंने कहा बट फॉर हिम वॉट कैन ही डू बट डाय वॉट कैन ही डू बट डाई वो क्या कर सकता है मरने के सिवाय तो एक्सेप्ट ना बोलकर के एक्सेप्ट वर्ड के बदले एक्सेप्ट मतलब के सिवाय ई e -E एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट और ए, एक होता है ए डबल सी ई पी टी उसका मतलब होता है स्वीकार करना एक्सेप्ट और एक होता है ई e -E एक्स पी ई सी टी एक्सपेक्ट उम्मीद करना ये तीनों में भी हम बहुत गलतियां करते हैं ए डबल सी -E ई पी टी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना ई e -E एक्स सी ई पी टी यानी एक्सेप्ट मतलब के सिवाय और एक होता है ई e -E एक्स पी ई सी टी एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ बट एज एक्सेप्ट बट को कैसे उपयोग करते हैं ऑल आवर एम्बिशंस या नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर नन बट द ब्रेव नो बडी बट द ब्रेव केवल एक्सेप्ट बहादुर लोग तो यहां बट का उपयोग हम समुच्चय बोधक के रूप में नहीं कर रहे हैं यद्यपि ये वर्ड समुच्चय बोधक में आता है बल्कि हम संबंध बोधक के रूप में कर रहे हैं एंड लास्ट इज ए कई बार हम ए शब्द या उसका उपयोग हम संबंध बोधक के रूप में कैसे करते हैं दैट्स वेरी फनी हर वेजेदार टेन रूपीज डे हर वेजेस, हर सैलरी इज 5000 ए मंथ यहां ए जो है वह संबंध बोधक हो गया शुगर इज 25 रुपीस रुपीज केजी, के शुगर इज 25 रुपीस रुपीज केजी, के जी यहां पर ए क्या हो गया संबंध सूचक हो गया दे वेंट ए बोर्ड द शिप वह शिप में बैठ गया ए बोर्ड द शिप ए डैशबोर्ड Aboard the ship. I boarded the ship. They went aboard the ship. So, this is how we are more or less very clear on prepositions, and the more we practice, the better it would be. Uh, remember, I again say that with limited vocabulary that you have, action words. If you use them with different prepositions, you will land up with many, many more action words which are very important for good writing, for good communication. Now, let us do some words which are followed by preposition. Famous for. Mumbai is famous for. The goat subsists on food. Jindarata subsist kibal. On and Jawaharlal Nehru was fond of, fond of children. This kind of words, I have told you earlier, that there are many words which have only fixed prepositions. You cannot use any preposition. It, it doesn't have more than one preposition attached, connected to it. Fond ke off hi aayega. In spikes ke of off And so on and so forth. So you have to read that, reread that and practice it.